नमस्कार दोस्तों, आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल का जारी है। फाजिल का में कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ेगी जंग में पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से ड्यूटी की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। नए नए बहाने बनाकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोई बैंक जाने के नाम पर तो कोई करियाने का सामान, तो कोई सब्जी, कोई दूध, कोई दवाई के नाम पर बहाने बना रहा है, जिससे पुलिस काफी परेशान है। फाजिलका में कर्फ्यू नहीं बल्कि मेला लगा हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आपको लाइव खबरें दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। लंघना करते मजबूरी से बच्चा मिला हॉस्पिटल कोई है देखा आपने किस तरह से लोग बहाने बना रहे हैं, नए नए तरीकों से पुलिस के आगे बहाने बनाए जा रहे हैं। कोई दवाई लेने के नाम पर घर से बाहर निकला है, कोई करियाने का सामान लेने, तो कोई सब्जी लेने, कोई दूध लेने, कोई बैंक के नाम पर घर से बाहर घूम रहा है। पुलिस है कि ऐसे लोगों से परेशान नजर आ रही है। महिलाएं भी कर्फ्यू के दौरान मान नहीं रही हैं। महिलाएं भी घरों से बाहर एक्टिवा लेकर निकल रही हैं। फाजिलका में ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग जैसे मेले में जा रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। देख किस प्रकार से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घरों में रहने की अपील की गई है। बाजारों को बंद करवाया गया है, कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। घरों में बैठे हुए भी लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर निकल रहे हैं। बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग ताश खेल रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू तथा कोरोना जैसी बीमारी को कोई भी गंभीरता से लेता नजर नहीं आ रहा है। आपको लाइव खबरें दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।
देखा आपने किस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है फाजिल्का की। हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पर लोग नजर आ रहे हैं। कर्फ्यू का मतलब शायद न तो पुलिस लोगों को समझा पा रही है और न ही प्रशासन। रेडियो पर लोग इकट्ठे होकर सब्जियां खरीद रहे हैं। लोग घरों के बाहर आए हुए हैं, घरों के बाहर बैठे ताश, लिड्डो, क्रिकेट आदि खेला जा रहा है। बाजारों में लोग घूम रहे हैं। पुलिस है कि ऐसे लोगों से बेहद परेशान है। पुलिस द्वारा हालांकि सख्ती से काम लिया जा रहा है, लेकिन लोग भी इस सख्ती को गंभीरता से नहीं ले रहे। जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, हर सड़क, हर गली में लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि अपने अपने घरों में रहें। कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई जंग में सरकार, प्रशासन व पुलिस का साथ दें, ताकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी फैलने ना पाए। आपको लगातार हम इसी तरह कवरेज दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।